let us now start with advanced ruling. Advanced ruling. रूलिंग का मतलब क्या होता है? रूलिंग का मतलब होता है जजमेंट, और एडवांस का मतलब पहले से जजमेंट ले लेना। मतलब आप कुछ करोगे नहीं, उसके पहले ही जजमेंट ले लो कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो क्या जजमेंट होगा कोर्ट का। ठीक है, व्हाट इज दिस एडवांस रूलिंग? कि आप बिना कुछ किए ही पहले से एडवांस में जजमेंट ले लो कि ऐसा अगर आप करोगे तो क्या होगा। दिस इज जजमेंट टेकन इन एडवांस। पहले आपका कॉन्सेप्ट बनाते हैं इसके लिए। देखिए, मनमोहन सिंह हैड ओपेंड द डोर ऑफ इंडिया टू द एंटायर वर्ल्ड इन 1991। मतलब मनमोहन सिंह ने क्या कहा, हम इंडियन मार्केट को एक वर्ल्ड मार्केट बना देंगे 1991 में। सो ही ओपेंड इकोनॉमिक डोर ऑफ इंडिया फॉर द एंटायर वर्ल्ड। लेकिन विदेशी जितने भी फॉरेनर्स हैं वो इंडियन मार्केट में एंटर करने के लिए तैयार नहीं थे, बिकॉज ऑफ लिटिगेशन प्रॉब्लम। वो 1991 में जब मनमोहन सिंह ने कहा कि कोई भी आके यहाँ पे इंडिया में बिजनेस कर सकता है, आज जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह दिख रही हैं, इतना फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रेड आपको दिखाई दे रहा है, दिस ऑल बिकॉज ऑफ मनमोहन सिंह। लेकिन कोई भी फॉरेन कंट्रीज इनिशियली इंडिया में आके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। अब वो इसलिए नहीं तैयार थी क्योंकि यहाँ पे लिटिगेशन प्रॉब्लम बहुत लंबी होती है। एक बार कोई भी केस कोर्ट में जाता है लिटिगेशन में, तो वो केस कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। ये बात पूरे वर्ल्ड को पता है कि इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो कभी भी आउटकम नहीं देता है, सिर्फ तारीख पे तारीख पड़ती रहती है। ठीक है, कभी भी उनका कोई कंक्लूजन नहीं आता है। एंड देयरफॉर नन ऑफ द फॉरेन कंट्रीज वर रेडी टू एंटर इनटू इंडियन मार्केट। ठीक है, इन 1993 में इसलिए एडवांस रूलिंग का प्रोविजन लाया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक ऑफिस बनाई चाणक्यपुरी दिल्ली में। इन दिल्ली देयर इज एन ऑफिस एट चाणक्यपुरी विच इज ऑफिस फॉर एडवांस रूलिंग। ठीक है, आप इस ऑफिस फॉर एडवांस रूलिंग में क्या कर सकते हो, जाइए और रूलिंग एडवांस में ले लीजिए। मतलब एक फॉरेन कंट्री कंपनी क्या कर सकती है, वो आके इस ऑफिस से एडवांस में रूलिंग ले सकती है कि अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में हुआ इनके साथ तो ऐसे में जजमेंट क्या होगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ लिटिगेशन प्रॉब्लम दे वर नॉट रेडी टू एंटर इनटू इंडियन मार्केट। एंड लेटर ऑन बिकॉज ऑफ दिस ऑफिस ऑफ एडवांस रूलिंग विच हैज बीन ओपन्ड एट चाणक्यपुरी इन दिल्ली, अब लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से इंडियन मार्केट में एंटर करने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, लेटर ऑन द लॉ ऑफ एडवांस रूलिंग वॉज एमेंडेड और ये अब रेजिडेंट यानी जो लोग इंडिया में हैं उन्हें भी फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस या सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटीज के लिए एडवांस जजमेंट लेने के लिए अलाउ कर दिया गया है। मतलब इट वॉज ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड फॉर नॉन रेजिडेंट्स फॉरनर्स, लेकिन लेटर ऑन दिस हैज बीन मेड इवन फॉर रेजिडेंट इन इंडिया बट फॉर अ लिमिटेड एरियाज। यानी हर कोई जाके यहाँ पे एक जजमेंट नहीं ले सकता है, रेजिडेंट को लिमिटेड एरियाज में जजमेंट लेने का हक यहाँ पे है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज दिस एडवांस रूलिंग। फाइनेंस एक्ट 1993 प्रोवाइड्स प्रोविजन ऑफ एडवांस रूलिंग। 1993 में एडवांस रूलिंग को लाया गया टू अवॉइड डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स लाइबिलिटी इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/1998। और 1998 से हमने आपको क्या बताया कि अमेंडमेंट ला दिया गया इस लॉ में। द स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टू कवर नोटिफाइड रेजिडेंट एप्लीकेंट ऑल्सो। तो ओरिजिनली दिस वॉज ओनली एंड ओनली फॉर नॉन रेजिडेंट, लेकिन 1998 में इसे अमेंड किया गया और इस स्कीम को रेजिडेंट के लिए भी लागू कर दिया गया, लेकिन सिर्फ लिमिटेड एरियाज में, नोटिफाइड एरियाज में। एडवांस रूलिंग मीन्स अ डिटर्मिनेशन बाई द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग इन रिलेशन टू। एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होगा, इन रिलेशन टू अ ट्रांजेक्शन विच हैज बीन अंडरटेकन, अ ट्रांजेक्शन विच हैज बीन अंडरटेकन और इज प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाई अ नॉन रेजिडेंट। एक ट्रांजेक्शन जो नॉन रेजिडेंट कर दिया है या प्रपोज कर रहा है करना, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन कहीं बाद में फंस जाएगा, लिटिगेशन में जाएगा, तो उसके लिए वो पहले से ही क्या कर सकता है, जजमेंट ले सकता है। और बाई अ रेजिडेंट विद अ नॉन रेजिडेंट, अंडरलाइन कीजिए,
by a resident with a non-resident. By a resident with a non-resident, including a determination of question of law or of fact. By a resident with a non-resident, including a determination of a question of fact, law or of a fact. कह रहे रेजिडेंट का अगर नॉन रेजिडेंट के साथ ट्रांजेक्शन है, हम एक नॉन रेजिडेंट के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में उसकी भी एडवांस रूलिंग ले सकते हैं, ठीक है? यानी हम एक रेजिडेंट है और रेजिडेंट के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसकी रूलिंग लेने नहीं जा सकते, ठीक है? नॉन रेजिडेंट कोई भी रूलिंग ले सकता है, रेजिडेंट कब ले सकता है? जब वो नॉन रेजिडेंट के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है. इश्यूज रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पेंडिंग बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी और द ट्रिब्यूनल इंक्लूडिंग अ डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ और ऑफ फैक्ट. अगर आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम को लेके कोई भी केस इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास यानी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास या फिर ट्रिब्यूनल में यानी कि कोर्ट में पड़ा हुआ है कोई भी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम वाला केस, तो ऐसे में उसके लिए भी जजमेंट आप कहां से ले सकते हो? यहां पर ले सकते हो एडवांस रूलिंग में, ठीक है? एन एप्लीकेशन मे बी मेड बाई नॉन रेजिडेंट. A resident entering into a transaction with non-resident, non-resident application लगा सकता है advance ruling के लिए. और कौन लगा सकता है? Resident जो non-resident के साथ transaction करना है करता है. तीसरा, a resident of notified class or category. तीसरा, resident अगर वो specified class or category का है, जैसे कि public sector company, एक public sector company भी under advance ruling ले सकती है. और a person indulging in a transaction with a non-resident. तो जरा देखिए कौन कौन लोग एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हैं. पहला नॉन रेजिडेंट, दूसरा रेजिडेंट एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन विद नॉन रेजिडेंट, तीसरा नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रेजिडेंट सच एज पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ठीक है? एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग शुड बी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म एज बिलो ड्यूली वेरीफाइड अलॉन्ग विद अ पेमेंट ऑफ फी ऑफ रूपी 2500. 2500 रुपए की फीस भी लगती है, फाइलिंग फीस. Shall be submitted to the authority for advance ruling. तो 2500 रुपए की फीस के साथ फॉर्म भर के आप जमा कर दीजिए एडवांस रूलिंग के लिए. तीन तरीके के फॉर्म आते हैं, फॉर्म 34C, D और E, ठीक है? कौन फॉर्म सी डी और ई भरता है देख लीजिए. सी भरते हैं नॉन रेजिडेंट, डी भरते हैं रेजिडेंट जो नॉन रेजिडेंट के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और ई कौन भरता है? नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रेजिडेंट. तीन लोगों का नाम लिया हमने, वो सी डी और ई भरते हैं लाइन से. तो आपको याद रखना होगा फॉर्म 34C, 34D और 34E. द एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग शुड बी इन क्वाड्रुप्लीकेट. अंडरलाइन कीजिए क्वाड्रुप्लीकेट. क्वाड्रुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? हाँ, फोर कॉपीज, ठीक है? अंडरलाइन कीजिए, उसके ऊपर लिखिए फोर कॉपीज. चार कॉपी एप्लीकेशन की जमा करनी पड़ती है आपको, ठीक है? एंड द एप्लीकेंट मे विथड्रॉ सच एप्लीकेशन विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. 90 दिनों के अंदर अंदर अगर वो चाहे तो एप्लीकेशन को विथड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है? एडवांस रूलिंग का जजमेंट आपको 6 महीने के अंदर मिल जाता है, ठीक है? अगर 90 दिनों के अंदर जजमेंट नहीं आया और आपको जजमेंट की जरूरत भी नहीं है, विथड्रॉ कर लीजिए, ठीक है? आपका जो काम था वो वैसे ही सलट गया, तो आपको लग रहा है आप जजमेंट लेके करेंगे क्या? क्योंकि नॉर्मली आप यहां पे जजमेंट जो लेते हो वो ट्रांजेक्शन इंटर करते ही ले लेते हो, या फिर ट्रांजेक्शन करने के पहले ही ले लेते हो, और आपने देखा बाद में कोई समस्या ही नहीं हुई इससे, तो आप क्या करते हो? कहते हो एडवांस रूलिंग वाला हम वापस ले ले रहे हैं, हमें एडवांस रूलिंग नहीं चाहिए, ठीक है? तो एडवांस रूलिंग के जो जजमेंट आते हैं उसका मैक्सिमम टाइम लिमिट है 6 महीने के अंदर अंदर. अदरवाइज अगर एडवांस रूलिंग वालों को भी दे दिया जाए कि आराम से देना, तब तो वही कोर्ट वाला हाल हो जाएगा. कोर्ट भी तो 50-60 साल में 100 साल में दे ही देती है जजमेंट, ठीक है? एक पीढ़ी से केस शुरू होता है, 5वीं पीढ़ी पे आके केस खत्म हो जाता है, ठीक है? तो एडवांस रूलिंग के जजमेंट्स की लिमिटेशन है कि उनको इतने समय में दे ही देना है, दैट इज 6 मंथ, और 90 दिनों के अंदर अंदर अगर आप चाहो तो अपनी एप्लीकेशन विदड्रॉ कर लो इनकेस आपको जजमेंट नहीं मिली अभी तक. एंड एडवांस रूलिंग शैल नॉट बी अलाउड वेयर. एडवांस रूलिंग कब नहीं मिलती है? क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट इज ऑलरेडी पेंडिंग ईदर बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी और द एपीलेट ट्रिब्यूनल और एनी कोर्ट. क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट है. क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब ये होता है, इनकम टैक्स में लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग एक्सपेंसेस शैल बी डिसअलाउड, ठीक है? आप कह रहे हो कि मेरा जो एक्सपेंस है ये वाला एक्सपेंस है ही नहीं, और इनकम टैक्स कह रही है नहीं ये यही एक्सपेंस है, मतलब लॉ की इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है?
आप कुछ और इंटरप्रेट कर रहे हो, वो कुछ और इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसलिए परेशानी है। ठीक है, तो अगर ऐसा केस कोई कोर्ट में चल रहा है तो उसके लिए एडवांस हियरिंग नहीं ली जाती है। अब कोर्ट ही डिसॉल्व करेगी कि आप उस लॉ का मतलब क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन अब कोर्ट ही देगी। अ ट्रांजेक्शन विच इज डिजाइन फॉर द अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स, आप टैक्स बचाने के लिए कुछ अपना ट्रांजेक्शन बनाए थे कुछ ऐसा, तो ये सब के लिए एडवांस रूलिंग नहीं ली जाती है, कोर्ट डिसाइड करेगी। डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि 50C वगैरह के केस में होता है। ठीक है, जब आपके घर में सर सीजर वगैरह पड़ती है, रेट पड़ती है, तो आपकी जो इनकम एसेस की जाती है वो ऑन द बेसिस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी की जाती है। तो ये सब जो असेसमेंट होती है आपके हाथ में, जिसमें फेयर मार्केट वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही देखती है, वही लोग वैल्यूएशन कराते हैं, उसके लिए एडवांस रूलिंग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हाउएवर नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड अनलेस एन अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू द एप्लीकेंट ऑफ बीइंग, हर नहीं है वो हर्ड है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड रीजन फॉर सच रिजेक्शन शैल बी गिवन इन द ऑर्डर। मान लीजिए आप एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन लगाते हो, तो ऐसे में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की जाती है जब तक कि आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया जा रहा। मतलब आप एक एप्लीकेशन लगाते हो और एडवांस रूलिंग को लग रहा है कि आप झूठ मूठ का परेशान कर रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो वो आपको पहले लेकिन एक बार सुनने का मौका देते हैं, मतलब आपको जाइएगा, आप उनसे बात कीजिएगा और उसके बाद उनको ठीक लगेगा तब वो रिजेक्ट करेंगे, मतलब बिना आपको सुने वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पता है आप 100 लोगों के सामने किसी का मर्डर कर दीजिए, ठीक है, कि आपको उठा के सीधे जेल में डाल दिया जाएगा, सबने देखा है, पूरी पब्लिक देख रही है, पुलिस देख रही है, सब कोई देख रहा है, इवन जज साहब जो आप फैसला करेंगे वो भी देखे हैं आप जब मर्डर कर रहे थे। पता है कि आपको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा, नहीं, आपको कोर्ट में लाया जाएगा, कटघरे में खड़ा किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपने मर्डर किया उसके बाद भी। पता है क्यों? क्योंकि दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अदरवाइज कटघरे में खड़ा करने का आप कौन और कौन सा औचित्य है? दिस इज बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड। ठीक है, कह रहे यहां पे भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड दिया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन को बिना आपसे सुने रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। द अथॉरिटी शैल प्रोनाउंस द एडवांस रूलिंग विद इन 6 मंथ आफ्टर द रिसेप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। अंडरलाइन कर लीजिए, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर जजमेंट यहां पर मिल जाती है। In case an application for advance ruling has been made in respect of an issue by a resident applicant, no income tax authority or the appellate tribunal shall give a decision on the same issue. The advance ruling shall be binding only on the applicant who sought it in respect of the specific transaction covered thereunder, on the commissioner and income tax authority subordinate to him having jurisdiction over the applicant. कहता है कि अगर advance ruling का किसी भी एसएससी के रिस्पेक्ट में जजमेंट आता है तो वो जजमेंट सिर्फ उसी एसएससी पे अप्लाई होता है। लेकिन पता है जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट दे देती है तो सिर्फ वो उसी एसएससी पे अप्लाई नहीं होता है, हम भी वो ग्राउंड ले सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर एसएससी के केस में केस उसे जिता दिया, मिस्टर ए कह रहा था ये एक्सपेंस अलाउ होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ अलाउ होना चाहिए, तो पता है वो सिर्फ मिस्टर ए के लिए अलाउ नहीं हो गया, हम भी चाहें तो क्या कह सकते हैं आप इनकम टैक्स अथॉरिटी को, मिस्टर ए को सुप्रीम कोर्ट ने कहा अलाउ है, मेरा भी अलाउ करो। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो लॉ बन जाता है जब तक कि इनकम टैक्स एक्ट कुछ नहीं कहता। ठीक है, जुडिशियल डिसीजंस लॉ होते हैं, लेकिन जो एडवांस रूलिंग की अथॉरिटी आपको जजमेंट देगी वो सिर्फ उसी एसएससी के लिए एप्लीकेबल है जिसके लिए जिसने एप्लीकेशन लगाई थी, वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बेसिकली वो पर्सनल ग्राउंड पे देखा जाता है कि इसे जजमेंट क्या देना चाहिए, तो आप किसी और के जजमेंट को अपने लिए अप्लाई नहीं करा पाओगे। The advance ruling will continue to remain in force unless there is a change either in law or in fact on the basis of which the advance ruling was pronounced. अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमने एडवांस रूलिंग ले दी, क्या ये हमें ये खर्चा अलाउ होगा? हम एक फॉरेन कंपनी है, इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, हम पूछ रहे हैं क्या हमें ये खर्चा अलाउ होगा? हमने एडवांस रूलिंग ले ली, ठीक है, और हमें क्या एडवांस रूलिंग मिल गया कि ये खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा, लेकिन 5 साल बाद इनकम टैक्स में ये बात लिख दी जाती है कि ये खर्चा अलाउ नहीं होगा टू अ फॉरेन कंपनी, तो बताइए क्या अब भी अलाउ होगा? नहीं। कह रहा है अगर एक्ट बाद में परिवर्तित हो गया तो आपका जो एडवांस रूलिंग है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक एक्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है, जो हमने एडवांस रूलिंग ली है वो परमानेंटली काम करेगा,
तो हम एक फॉरेन की कंपनी है, इंडिया में आने से पहले ही पूछ लिए, चाणक्यपुरी के ऑफिस में एप्लीकेशन लगाया, पूछ लिए कि क्या हमें ये खर्चा अलाउड है। ऑफिस ने कहा यस आपको अलाउड होगा, हमें अलाउड होगा जब तक कि एक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता और तब तक ये खर्चा हमें अलाउड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया ने जो इकोनॉमिक डोर ओपन किया था टू द वर्ल्ड एट लार्ज, वो बात सक्सेसफुल हो गई। तो जो लोगों को प्रॉब्लम थी लिटिगेशन प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ने उसे कुछ हद तक रिजॉल्व करने की कोशिश की थ्रू एडवांस रूलिंग। तो विद दिस वी हैव डन विद एडवांस रूलिंग।